किसान कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा एवं सद्बुद्धि के लिए हरि भजन भी किए। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। शिवनी मालवा में भारी संख्या में कांग्रेस इकट्ठा हुए एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं किसान कांग्रेस कमेटी ने अधिक बारिश एवं ओलावृष्टि से मूंग की फसल खराब हो गई है, जिसके चलते ज्ञापन सौंपा। किसानों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। फसल खराब होने से किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। इसीलिए आज तहसील कार्यालय पहुंचकर भारी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे एवं अधिक बारिश एवं ओलावृष्टि से बेकार हुई फसल की जानकारी दी और फसलों का सर्वे करके मुआवजे की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं किसान कांग्रेस कमेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि किसानों के खेत का सर्वे कर फसलों का जायजा लेकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। एवं कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय में बने शंकर मंदिर में बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसलिए कांग्रेसियों ने हरि जाप भी किया, भगवान से प्रार्थना की कि इन्हें शीघ्र से शीघ्र सद्बुद्धि देकर और किसानों की बेकार फसल का मुआवजा दिया जाए। समस्त कांग्रेसियों ने हरि जाप किया एवं भजन कीर्तन भी किया गया। इस तरह का ज्ञापन किसानों की जो मूंग की फसल अतिवृष्टि ओला के कारण जो बर्बाद हो गई है, इसका सर्वे और तुरंत मुआवजा राशि दिलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। किसान इस क्षेत्र में बेमौसम बारिश से परेशान है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, परमात्मा के सामने भी आज निवेदन किया कि कुमकरी नींद से सरकार जागे और इस किसानों के लिए जो 18 सालों से पनौती सरकार है, इस सरकार से निजात दिला। प्रदर्शन किया गया है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण जो हमारे क्षेत्र के किसान बंधु परेशान हैं और उन्होंने सारी लागत लगाकर ये मूंग की फसल बोई थी, दो दो तीन तीन दवाइयाँ भी हो गई, मूंग का बीज महंगा भी है, उसके बाद शासन के द्वारा अभी तक गेहूं खरीदी का उनको पैसा नहीं मिला। जो भी पैसा था उनने सारे का सारा पैसा मूंग में लगा दिया था, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि ना तो वो मुआवजे की बात करती है ना जल्दी गेहूँ का पेमेंट करवाने की बात करती है। हम लोग यहाँ पर सरकार की कुंभकर्णी नींद है उसको जगाने के लिए ये कीर्तन भी कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहेंगे कि आप किसान हितैषी सरकार बोलकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मैंने इस 18-20 साल में कभी नहीं देखा कि आपने किसानों के हित में कोई बड़ा काम किया हो। आज सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूर है तो वो किसान है, क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है उस पर, ना तो उसके पास पैसा है और ना मूंग की फसल उसके हाथ में है और ना आने वाली फसल के लिए उसके पास पैसा बचेगा। इसलिए मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी राहत सामग्री की बात करें, मुआवजा, ये फोटो आपके विधायक जो फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इनसे कहें कि मुआवजा राशि तुरंत डलवाएं, फोटो खिंचवाने से किसानों का पेट नहीं भरेगा। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है तो कांग्रेस का किस तरह का ये प्रदर्शन रहा है? ओलावृष्टि से विगत दो तीन दिन से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है और उससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो क्या गेहूं का जो किसानों ने बेचा उसका पैसा नहीं मिला, जैसे तैसे उसने व्यवस्था करके मूंग में लागत लगा के मूंग की फसल बोई है और ये ओलावृष्टि से किसान का जो मूंग था वो बिल्कुल चौपट हो गया और पूरा का पूरा ये सिंहपुर से लगा हुआ जो पूरा बेल्ट है उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, यानी मूंग के काले कर दिए हैं, मूंग के जो हरे खेत थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ सर्वे के लिए गया देखने के लिए, ना किसानों की कोई बात सुनी जा रही है, ना किसानों की किसी तरह से कोई मदद की जा रही है। जब अभी तक सर्वे नहीं हुआ तो मुआवजा कैसे मिलेगा, और इस दुख की घड़ी में किसान इतना हैरान परेशान है, ऐसे समय में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया, ना सरकार सुध ले रही है, ना चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुध ले रहे हैं कि हमारे किसान के ऊपर क्या आफत आ गई है और आने वाला समय में किसान को जो दूसरी फसल बोना है उसके लिए लागत कहाँ से लाएगा, बहुत परेशान है। इसलिए कांग्रेस ये सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई उसको जगाने के लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है और इसीलिए हरि कीर्तन किया गया कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और किसानों की ये मदद करें, जिसमें आने वाले समय में किसान जो आने वाली फसल है अगर मुआवजा मिल जाएगा तो ये आने वाली फसल को बो देंगे और अपनी दिनचर्या को रेगुलर करेंगे। हमारी तो ये शासन और प्रशासन से मांग है और मामा से भी मांग है हमारी
कि वो यूँ तो किसानों के बारे में बहुत बात करते हैं, मगर जब किसान असल में मुसीबत में आता है तब वो उनके पास ना तो उनके कोई जनप्रति नहीं रहते हैं, ना सुध लेते हैं, ना ये मामा सुध लेता है। तो सारे किसान परेशान हैं। किसान तो वैसे ही पहले परेशान थे, हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये ज्ञापन दिया है और कांग्रेस ने यहाँ से उनकी सद्बुद्धि के लिए आज वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर भजन किया कि इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और ये किसानों की मदद के लिए आए। शिवनी मालवा से हमारे रिपोर्टर अरुण कश्यप की खास खबर। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।